नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होती है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने, पिंपल्स, पिंपल्स के निशान, गड्ढे और कील मुहासों की। पिंपल्स हमारे चेहरे पर क्यों होते हैं, यह बार बार होते रहने और बढ़ते रहने की क्या कारण होता है, और डिस्कस करेंगे कुछ सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन और सीक्रेट्स को, जिन्हें एक बार फॉलो करने पर ना सिर्फ क्रोनिक यानी कि एक्ने की समस्या पूरी तरह खत्म होगी, बल्कि आगे चलकर भविष्य में चेहरे पर पिंपल्स और कील मुहासों की समस्या का दोबारा कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। एक्ने की प्रॉब्लम में अपने चेहरे की केयर कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें खाने से पिंपल्स पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, चेहरे पर किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए एक्ने प्रॉब्लम में जो तुरंत असर दिखाता है, खानपान में क्या बदलाव करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिनसे यह प्रॉब्लम आगे और ना बढ़ सके, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। एक्ने की समस्या में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि यह प्रॉब्लम क्यों हो रही है। पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम्स का सबसे मुख्य कारण होता है खराब पाचन और खानपान, हार्मोन्स में असंतुलन, बदलाव और ऑयली स्किन और एलर्जी, इन्फेक्शन। इन दोनों ही स्थिति में उपचार एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही तरीकों से करना जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेहद असरदार चीजों के बारे में, जिन्हें अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करने से पिंपल्स की प्रॉब्लम्स में अंदर से सुधार आएगा। जब भी शरीर में कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो चेहरे पर एक के बाद एक नए पिंपल्स आते ही रहते हैं। बॉडी में जिंक, विटामिन ए और विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट और प्रोबायोटिक्स की कमी चेहरे पर होने वाले एक्ने की मुख्य वजह मानी जाती है, क्योंकि इनकी कमी होने पर पेट और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा कम होने लगती है और बुरे बैक्टीरिया शरीर में बढ़ते रहते हैं। इसलिए पिंपल की प्रॉब्लम को अंदरूनी तरीके से पूरी तरह ठीक करने के लिए अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करने की जरूरत होती है जो इन सभी पोषक तत्वों की कमी को तेजी से दूर करती है। पम्पकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज जिंक, आयरन, प्रोटीन और फाइबर का काफी अच्छा स्रोत होते हैं, और साथ ही फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। इन दोनों के इस्तेमाल से न सिर्फ शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है बल्कि खून में ब्लड सर्कुलेशन लेवल भी कम होता है, जो कि पुराने पिंपल्स को हटा देता है और साथ ही नए पिंपल्स को पैदा होने से भी रोकता है। रोजाना दिन में खाना खाने के बाद एक चम्मच कद्दू और अलसी के बीजों का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी और विटामिन ए के लिए कॉड लीवर ऑयल सबसे बेहतर माना जाता है। जो लोग एक लंबे समय से पिंपल की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें रोजाना इस ऑयल का सेवन जरूर करना चाहिए। यह पिंपल्स के साथ साथ हर तरह की स्किन एलर्जी में भी बेहद फायदेमंद होता है। इसमें कई तरह के फैटी एसिड भी पाए जाते हैं जो पिंपल दूर करने के साथ साथ हमारे बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं और हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा रोजाना नाश्ते के साथ गाजर और पालक का जूस पीना भी बहुत फायदेमंद होता है। पालक और गाजर में विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पोषक तत्व की कमी पूरी करने के साथ साथ यह हमारी आंखों की रोशनी और पाचन को भी बेहतर बनाता है। एक्ने और ज्यादातर त्वचा के रोगों में ब्लड इम्प्यूरिटी यानी कि खून का दूषित होना भी होता है। खून की सफाई के लिए एंटीऑक्सीडेंट को अपनी डाइट में शामिल करें। दालचीनी और ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मानी जाती है। रोजाना दिन में एक कप ग्रीन टी और शाम के समय शहद के साथ दालचीनी पाउडर मिक्स कर सेवन करें। धीरे धीरे खून की सफाई भी होती रहेगी और चेहरा साफ भी होने लगेगा। इसके अलावा रोजाना सलाद में जड़ वाले फल और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं। ऐसे सभी सब्जियां और फल जो जमीन के अंदर उगते हैं एक्ने की प्रॉब्लम में बेहद फायदेमंद होते हैं। एक्ने में फास्ट इम्प्रूवमेंट के लिए स्वीट पोटैटो यानी कि आलू, कमल की जड़, चुकंदर, कमल की जड़, गाजर, चुकंदर जैसे सभी चीजें ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। चेहरे पर मौजूद पिंपल्स और उनके दाग धब्बे दूर करने के लिए आंवला और एलोवेरा का जूस भी बेहद फायदेमंद होता है। रोजाना इसके सेवन से खून की सफाई होती है तथा लीवर भी मजबूत बनता है। सुबह के समय सेवन करने के लिए अगर ताजा आंवला और एलोवेरा मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, और इससे बहुत जल्दी हमारे स्किन पर फायदा होने लगता है। लेकिन ताजे की जगह आप पैकेट में मिलने वाले जूस का भी सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं चेहरे पर लगाए जाने वाले कुछ नुस्खों के बारे में, जिनके इस्तेमाल से पिंपल की समस्या में तेजी से सुधार लाया जा सकता है। इसमें जो पहला नुस्खा है उसे बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, मुल्तानी मिट्टी, नीम का तेल की। नीम का तेल आपको किसी भी दवाई या फिर आयुर्वेदिक सामग्री की दुकान पर कम दामों में ही आसानी से मिल जाएगा। ऐसे पिंपल्स जो धीरे धीरे बढ़कर पूरे चेहरे पर फैल रहे हों, उन्हें तुरंत रोकने के लिए नीम, तुलसी और नीम का तेल बहुत फायदेमंद होता है। इनके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो पिंपल्स को ठीक करने के साथ साथ उन्हें दोबारा पैदा होने से भी रोकती है।
है। नीम और तुलसी के पत्तों को पहले हल्के गर्म पानी में अच्छी तरह से धो लें ताकि इन पे लगी सारी धूल और मिट्टी खत्म हो जाए, और एक मुट्ठी नीम के पत्तों के साथ 7 से 8 तुलसी के पत्तों को थोड़ा सा पानी डालकर पीस ले और एक पतला सा पेस्ट बना ले। इस तैयार पेस्ट को फ्रिज में स्टोर कर 2 से 3 मिनट तक इस्तेमाल किया जा सकता है। पैक बनाने के लिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच तैयार पेस्ट और 1/2 चम्मच नीम का तेल मिलाकर सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद इस मिश्रण को अपने चेहरे पर केवल उन जगहों पर लगाएं जहां जहां पिंपल्स हो रहे हैं। 10 से 15 मिनट तक लगाकर रखने के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। चेहरा धोते समय हल्के हाथों का इस्तेमाल करें और पोंछते समय कभी भी चेहरे को ना रगड़ें। नीम और तुलसी के इस नुस्खे को हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल करें, धीरे धीरे पिंपल्स कम होते रहेंगे। इसके अलावा टी ट्री ऑयल भी दानों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अंदर एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है और खासकर पिंपल्स पर इसका सबसे असरदार फर्क नजर आता है। यही वजह है कि आज ज्यादातर एंटी एक्ने क्रीम और फेस वॉश में टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया ही जाता है। टी ट्री ऑयल काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको पूरे फेस पर लगाने की जगह केवल पिंपल्स वाली जगह पर लगाना ही फायदेमंद माना जाता है। थोड़े से शहद में कुछ बूंदे टी ट्री ऑयल मिलाकर रोजाना रात को सोने से पहले इसे कॉटन बड की सहायता से उन जगहों पर ही लगाएं जहां पर आपको पिंपल्स हो रहे हैं, और उसके बाद इसे रात भर अपने चेहरे पर ही लगा रहने दें और सुबह ठंडे पानी से धो लें। रोजाना इसके इस्तेमाल से पिंपल्स फैलाने वाले बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा ताजा एलोवेरा जेल पिंपल्स को ठीक करने के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर पिंपल्स वाली जगह पर ताजे एलोवेरा का जेल लगाने से पिंपल्स तेजी से ठीक होने लगते हैं। जी हां दोस्तों, कम समय में रिजल्ट अच्छे लेने के लिए आपको इन चीजों के साथ कुछ और सावधानियां भी बरतनी होंगी। सबसे पहले तो अपने चेहरे की त्वचा को हाथों से बिल्कुल भी ना छुए। कई लोगों की आदत होती है पिंपल फोड़ लेने की या बार बार देखकर उन्हें छूते रहने की। आपके हाथ चाहे जितने भी साफ क्यों ना हो, चेहरे पर हाथ लगाने से पिंपल्स फैलाने वाले बैक्टीरिया बढ़ते ही हैं। दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपना चेहरा अवश्य धोएं। चेहरे पर लगातार ऑयल आते रहने की वजह से पूरे समय चेहरे पर धूल मिट्टी चिपकती रहती है और एक के बाद एक नया पिंपल निकलता रहता है। इसलिए सुबह और शाम के साथ साथ दिन में भी एक बार अपना चेहरा जरूर धोएं। अपने पास हमेशा टिश्यू पेपर या टिश्यू रोल जरूर रखें। कई बार हमारे पास ऐसा क्या होता है कि हम हाथ ऐसे गंदे लगा देते हैं और पिंपल फूट जाता है और उसमें से पस और खून बहने लगता है। पिंपल्स के फूटने पर निकलने वाला पस चेहरे पर दूसरी जगहों पर भी नए पिंपल्स पैदा कर देता है। इसलिए जब भी पिंपल फूट जाए तो तुरंत उसे गीले टिश्यू पेपर से साफ कर लें। चेहरा पोंछने का कपड़ा या तौलिया अलग रखें। नहाने के बाद जिस तौलिए से आप अपना शरीर पोंछते हैं उसी टॉवल से आप अपने चेहरे को ना पोंछे। चेहरा पोंछने के लिए किसी और कपड़े या टॉवल का इस्तेमाल करें और हर 2 दिन में उसे भी धोते रहें। ऐसा करने से बैक्टीरिया फैलते नहीं है और ना ही पिंपल्स आना रुक जाते हैं। धूप से बचे। एक्ने की प्रॉब्लम में अपने चेहरे को धूप से बचे रहना बहुत जरूरी होता है। हमेशा धूप में निकलने से पहले अपने चेहरे को रुमाल से कवर कर रखें, क्योंकि धूप और धूल मिट्टी का हमारे चेहरे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और कुछ ही दिनों में पिंपल्स पूरे चेहरे पर गंभीर रूप से फैलने लगते हैं। बालों में तेल कम लगाएं। पिंपल होने के पीछे जो सबसे मुख्य कारण होता है वो है ऑयली स्किन। जो लोग अपने बालों में ज्यादा तेल लगाते हैं या जिनके बाल बार बार माथे पर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में फोरहेड पर पिंपल्स तेजी से फैलने लगते हैं। इसलिए पिंपल्स जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक बालों में तेल कम ही लगाएं। टीवी, इंटरनेट और न्यूज़पेपर वगैरह में दिखाई जाने वाली कोई भी मेडिकल एंटी एक्ने क्रीम और जेल आदि का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और इससे भी बेहतर होगा कि चेहरे पर लगाए जाने वाली क्रीम या लोशन के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। पानी ज्यादा पिएं, जितना हो सके पानी बहुत अधिक पिएं। जब पिंपल्स चेहरे पर होने लगे तो ऐसी स्थिति में पानी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखने के साथ साथ लगातार टॉक्सिन्स भी बाहर निकालता रहता है, जिससे चेहरा बहुत जल्दी साफ होने लगता है। दिन भर में 3 लीटर पानी तो जरूर पिए। जंक फूड भी ना खाएं, क्योंकि दोस्तों बाहर मिलने वाली चीजें तेल में बनी हुई होती है और वो तेल भी बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए जंक फूड को अवॉइड करें और पैकेट फूड को अवॉइड करें, क्योंकि इन चीजों को खाने से पिंपल्स ठीक भी नहीं होते हैं और दवाइयां तथा घरेलू नुस्खों का असर भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसलिए जब तक ये समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक केवल घर का भोजन ही खाएं। पिंपल्स की समस्या को दूर करने के लिए कई सारी क्रीम भी आती है, तो उन्हें सही से यूज किया जाए तो एक्ने की प्रॉब्लम को आप दूर भी भगा सकते हैं। कई लोगों को सप्लीमेंट दवाइयां और क्रीम आदि उल्टा असर कर देती है, क्योंकि उन्हें इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका पता नहीं होता है। तो दोस्तों, क्रीम वगैरह सही तरीके से इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटूंगी एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।